मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ सो so, सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्किन केयर कर ली है अपनी उसके बाद मैंने यहाँ पे रेड कलर की एन वाइवे की मिनी लिपस्टिक ली है उसको अपने चिक्स पे नोज पे फॉरड पे एंड चिन पे अप्लाई करूँगी साथ ही साथ मैं यहाँ पे कॉन्टोर भी लगा रही हूँ कॉन्टोर के लिए मैंने यहाँ पर डार्क ब्राउन सेट की लिपस्टिक ली है जो कि मार्स की है अगर आपके पास भी कॉन्टोर नहीं है या फिर आप लिपस्टिक से इजली कॉन्टोर करना चाहते हैं तो आप कोई भी डार्क सेट ब्राउन सेड की लिपस्टिक ले सकते हैं उसके बाद मैंने यहाँ पे एनवाईवे का कंसीलर लिया है और साथ ही साथ सारे प्रोडक्ट को एक साथ अप्लाई कर लूँगी फिर उसके बाद इन सभी को ब्लेंड करूँगी और जहाँ जहाँ पे हाइलाइटिंग की ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पे कर लेना है और इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था अपने चैनल पे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख सकते हैं और आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी कि ये टेक्निक वाकई काम करती है या नहीं करती है इसको मैं अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूंगी इस तरह से मैंने ब्लेंड कर लिया है और फेस एकदम बंदर जैसा हो गया है फ़ेस का हाल देखिए क्या हो गया है अब फाउंडेशन अप्लाई करेंगे फाउंडेशन को मैं लगा लूँगी और इसको अच्छे से ब्रश से या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं अगर आपको कहीं जल्दी है जल्दी से फटाफट से मेकअप करना है तो इस टेक्निक का यूज़ आप कर सकते हो उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रो फिल कर लूँगी और उसके बाद कॉम्पैक्ट से अपने पूरे फाउंडेशन को सेट कर लूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं और ताकि हमारा जो फाउंडेशन है की सा ना लगे इस तरह से और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया है थोड़ा सा लाइट ब्राउन शेड लिया है मैं इसको अपने क्रीज लाइन पे अप्लाई करूँगी इस तरह से आपको तब तक ब्लेंड करना है जितना आपको लाइट डार्क चाहिए उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो और उसके बाद फिर पूरी आईलिट पे मैंने यहाँ पे गोल्डन सेड देखिए अप्लाई कर लिया है बहुत ही लाइट मेकअप है और उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्लू कलर का आई लिया है मैं ब्लू कलर का आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ आप अपने पसंद का कुछ कर सकते हैं मैं थोड़ा सा आई लुक डिफरेंट करना चाहती थी बहुत ज़्यादा मतलब बोल्ड लुक नहीं है बहुत ही नेचुरल सा लुक मैंने यहाँ पे आई का रखा है क्योंकि आप ना डे फंक्शन के लिए ऐसा लुक कैरी कर सकते हो यहाँ पे ये एनवाईवे की मैंने सिल्वर पेंसिल ली है और उसको एज अ हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ आप इस वाले पेंसिल को ना एज आ हाईलाइटर भी यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छा सा हाईलाइट कर देता है आप, आपके फेस को उसके बाद यहाँ पे एनवाईवे की मैंने मिनी लिपस्टिक ली है वही लिपस्टिक जो मैंने अपने चिक्स पे अप्लाई किया था उसको मैंने लिया है और उसके बाद यहाँ पर मैंने उसके ऊपर से न्यूट सेड अप्लाई किया क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग हट कलर चाहिए था लाइट कलर तो मैंने दो लिपस्टिक का कर यूज़ करके अपना मनचाहा कलर फा लिया है उसके बाद अपने आई कलर से आई को कर्ल कर और उसके बाद यहाँ पे मस्कार अप्लाई कर लूँगी यहाँ पे मैं कोई फालसिस वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ और ये बहुत ही नेचुरल सा मेकअप लुक निकल के आया है आप देख सकते हैं बहुत ही नेचुरल सा मेकअप लुक है और आई मेकअप भी मैंने बहुत लाइट किया है आने वाली ईद के लिए आप ऐसा मेकअप कैरी कर सकते हैं बर्थडे पार्टी के लिए या फिर छोटे मोटे ओकेजन पूजा पाठ है आप इस वाली टेक्निक को यूज़ करके ऐसा मेकअप लुक आप कैरी कर सकते हो और आप देख सकते हैं नेचुरल ब्लश मतलब गालों पे लग रहा है कॉन्टोरिंग भी पता चल रही है तो मेरे हिसाब से ये वाली टेक्निक बेस्ट है आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा मुझे तो बहुत पसंद आई तो चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा बाय फिर मिलूंगी नेक्स्ट